जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, वीविंग प्रिपरेशन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको मैं आज वीविंग प्रिपरेशन का पहले एक लेक्चर ले चुका हूँ, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको वाइंडिंग सेक्शन में है ये बताऊंगा, यार्न क्लियरर। यार्न क्लियरर क्या होता है, ये जो फ्रेंड्स है बाइंडिंग सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यार्न क्लियरर क्या होता है वो देखिए। तो यार्न क्लियरर क्या होता है कि देखिए, हम जो हमारा यार्न होता है वो कॉटन से तैयार किया जाता है। ठीक है, जब कॉटन आता है तो उससे क्या होता है कि यार्न बनाया जाता है। अब यार्न बन गया, कॉटन से यार्न तैयार हुआ। ठीक है, यार्न में क्या होता है कि इसमें जब कॉटन से यार्न निकला तो इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। फॉर एग्जांपल, थिन पार्ट है यार्न, कहीं पे यार्न जो हमारा मोटा है, कहीं पे यार्न पतला है। ठीक है, और जो स्लब्स हैं, नेप्स हैं, ये इसमें हो जाते हैं। तो ये क्या करता है यार्न क्लियरर, इनको रिमूव करता है। ठीक है, क्या करता है, इनको रिमूव करना करता है। तो आप कह सकते हैं कि यार्न क्लियरर एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, यार्न में उपस्थित जो हमारा थिन थिक पार्ट होता है, यार्न में उपस्थित फॉल्ट्स बोल सकते हैं, फॉल्ट मतलब कि अशुद्धियाँ, जैसे कि यार्न मोटा कहीं पे आता है, कहीं पे पतला आता है, कहीं पे उसमें स्लब्स होते हैं, कहीं पे नेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो आप सिंपली डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि अ यार्न क्लियरर इज अ डिवाइस टू रिमूव फॉल्ट्स फ्रॉम दी यार्न। साधारण भाषा में आप कह सकते हो कि यार्न क्लियरर इज अ डिवाइस टू रिमूव फॉल्ट्स फ्रॉम द यार्न, कि यार्न क्लियरर एक ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन है जो क्या करती है, यार्न में उपस्थित जो फॉल्ट्स होते हैं इनको क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है, और लिख सकते हैं यार्न क्लीनिंग इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्पन यार्न, जो हमारा स्पन यार्न होता है इसकी जो क्वालिटी होती है वो यार्न क्लियरर के द्वारा बेहतर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यार्न क्लियरर इज अ डिवाइस टू रिमूव फॉल्ट फ्रॉम द यार्न, आप यार्न क्लियरर ऐसे समझा सकते हो। तो आइए अब इसके ऑब्जेक्ट देख सकते हैं कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ यार्न क्लियरर, देखिए इसके ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर वन, अभी मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा जो थिन थिक पार्ट होता है वो रिमूव होता है, तो वो लिख सकते हैं इट रिमूव्स थिन एंड थिक पार्ट ऑफ यार्न। ठीक है, एंड नंबर दो, इट रिमूव नेप्स एंड स्लब्स, कह सकते हैं इसके द्वारा जो हमारे नेप्स एंड स्लब्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। और नंबर तीन, इट रिमूव्स फॉरेन मटेरियल्स,
यहाँ पे फॉरेन मटेरियल्स, मतलब जो हमारा कॉटन जो होता है वो, माना कि जो हमारा कॉटन है वो अमेरिका या बोल सकते हैं चाइना से आया हुआ है। अब वो अमेरिका यानी बाहरी देशों, अन्य देशों से आया है, तो उसमें जो अशुद्धियाँ फॉल्ट होते हैं वो रिमूव होते हैं एयर क्लियर के द्वारा, ठीक है। एंड इट इम्प्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ यार्न, कह सकते हैं इट रिमूव इट इम्प्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ यार्न, और इसके द्वारा क्या होता है कि जो यार्न की क्वालिटी होती है इसमें इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो आपको यार्न क्लियरर समझ में आया और ऑब्जेक्ट ऑफ यार्न क्लियरर आ गए। अब देखते हैं कि यार्न क्लियरर भी कितने दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक दो प्रकार के होते हैं, आइए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो अब देखिए, टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर, टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर, तो ये मैंने आपको भी बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यार्न क्लियरर। नंबर फर्स्ट इज मैकेनिकल यार्न क्लियरर और सेकंड हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियरर। तो देखिए, जो हमारा यार्न क्लियरर होता है वो दो तरीके से इसमें होता है कि मैकेनिकल यार्न क्लियरर और इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियरर। मैकेनिकल यार्न क्लियरर में क्या होता है कि इसके द्वारा, देखिए जो हमारे ऑल टाइम मशीन्स थी इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकल यार्न क्लियरर ही यूज किया जाता था, क्योंकि अब क्या है, आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियर मशीन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से यार्न की जो क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। तो मैकेनिकल यार्न क्लियर में क्या था कि इसके द्वारा जो हमारा यार्न है इसमें थिन थिक पार्ट होते हैं, ठीक, मोटा और पतला, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी डायमीटर मशीन्स की थी वो फिक्स थी, मतलब ये जो, जैसे इस प्रकार बोल सकते हैं, डायमीटर जो थी वो फिक्स थी। और इसमें क्या होता था कि एक ब्लेड लगा रहता था, जो हमारी मशीन्स थी इसमें एक ब्लेड लगा रहता था, और जब इसकी डायमीटर फिक्स थी तब इसमें जो हमारा यार्न पास होकर जाता था, तो यार्न को जो थिक पार्ट यार्न का था वो रिमूव हो जाता था, और यार्न का कभी उसमें थिक पार्ट आ गया तो वो तो रिमूव हो जाता था। लेकिन क्या था कि इसमें अगर थिन पार्ट आ गया तो वो आसानी से उसमें निकल जाता था। जब वो निकल जाता था तो उसमें जो उपस्थित फॉल्ट होते थे, अशुद्धियाँ होती थी, वो रिमूव नहीं हो पाती थी। थिन पार्ट तो रिमूव हो जाता था लेकिन थिन पार्ट रिमूव नहीं हो पाता था, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियर आया, इसकी जो डायमीटर थी वो फिक्स नहीं थी, ठीक है, तो इसमें क्या होता कि यार्न अगर थिक आ गया वो भी रिमूव हो गया, थिन आया तो वो नीचे आ जाता था, यानी उसका जो ब्लेड था वो नीचे आ गया और वो भी रिमूव उसमें भी। तो इसमें जो, इसमें क्या था कि ओनली थिक पार्ट रिमूव होते थे, ठीक है, और इसमें दोनों हो जाते थे, थिन एंड थिक पार्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल यार्न क्लियर में आपको समझ में आ गया कि सिर्फ थिक ही पार्ट रिमूव होता था, और इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियर में थिन और थिक दोनों पार्ट रिमूव हो जाते थे। अब देखिए, ये जो मैकेनिकल यार्न क्लियर थे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो मैकेनिकल यार्न क्लियर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कॉन्वेंशनल ब्लंट टाइप,
ठीक है, नंबर एक कन्वेंशनल ब्लंट टाइप और नंबर दो सेरिटेड ब्लेड टाइप। ये जो मैकेनिकल आर्म क्लियर होते हैं वो दो कन्वेंशनल ब्लंट टाइप और सेरिटेड ब्लेड टाइप, और जो इलेक्ट्रॉनिक आर्म क्लियर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, देखिए कैपेसिटेंस टाइप और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ठीक है, मैकेनिकल यार्न क्लियर क्या होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल ब्लंट टाइप और सेरिटेड ब्लेड टाइप। और इलेक्ट्रॉनिक यार्न क्लियर में ये दो प्रकार के होते हैं, कैपेसिटेंस टाइप यार्न क्लियर और फोटो इलेक्ट्रॉनिक टाइप यार्न क्लियर। ठीक है, तो आपको यार्न क्लियर समझ में आ गया होगा और इसके जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ यार्न क्लियर वो भी समझ में आ गए होंगे, और इसके कितने पार्ट होते हैं क्या होता है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में तो दोबारा वीडियो स्किप करके देख सकते हो पीछे बैक करके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे जो भी नया जुड़ा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है।